Dear students, in this topic we shall discuss the foraging behavior of animals. Foraging behavior includes all the activities of an animal which are related to search, recognize, and capture food items. An animal living in an environment has certain available choices of food and animal has to make decision about these choices these choices include for example what items should be included in the diet if the food is in patches what path should an animal take between the patches how should it locate new patches of food and if

इसी तरह से आउल्स जो के स्मॉल रोडेंट्स को डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट हैबिटेट्स में पिक करते हैं और उन्हें खा जाते हैं उनको भी इस तरह की चॉइसेस करना पड़ती हैं क्योंकि दे हैव पैची दीज टाइप देयर इनके जो भी हैं फ्लावर्स हों या उनके जो शिकार हैं ये पैचिज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इन पैच में जब फूड खत्म हो जाती है तो सच एनिमल्स हैव टू मेक है स्टूडेंट जो न्यूट्रिशन है दिस इज एसेंशियल फॉर एन एनिमल्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस इस तरह के प्रोसेसेस जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट हो उनमें नेचर सिलेक्शन और एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट तीन रोल प्ले करते हैं यही वजह है कि फॉरेजिंग बिहेवियर इज ऑल्सो अंडर नेचरल सिलेक्शन ऑनविच एवोल्यूशन एंड नेचर सिलेक्शन है जीनेटिक बेसिस या एवोलूशन का और नेचर सिलेक्शन का रोल फॉरेजिंग बिहेवियर में बहुत नुमाया होता है जब हम ये चीज देखते हैं कि ड्रॉसोफ इलाक के अंदर एक जीन की वेरिएशन पाई जाती है उस जीन को फॉरेजर जीन कहते हैं ये फॉरेजर जीन, जीन जो है इसकी फूड सर्च बिहेवियर को डिक्टेट करता है इनके लार्वे में और ये जो लार्वे हैं इनमें दो तरह की वेरिएशन इस जीन की फॉरेजर जीन की पाई जाती हैं एक अलील है रोवर अलील जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि दूसरा जो है वो सिटर अलील कहलाता है जिसे स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है ये जो फॉरजर लोकस है इससे जो इंजाइम प्रोड्यूस होता है दैट इज इन्वॉल्व इन ए सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो डिक्टेट करता है इनकी फीडिंग हैबिट को यही वजह है कि ये वाला जो इंजाइम है इट इज मोर एक्टिव इन द रोवर अलील प्रोसेसिंग इंडिविजुअल्स यानी कि फॉर आर जो है वो ज्यादा एक्टिव इंजाइम प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू दीटर अलील Which is present in larvae. अब ये जो, हैं, जो के रोवर वाले हैं वो फूड को सर्च करने के लिए ज्यादा दूर तक जाते हैं जबकि सीटर्स जो हैं, वो अपने सिर्फ करीब तक फूड सर्च करते हैं जो ज्यादा दूर तक जाएगा उसकी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे दैट means के नेचर सिलेक्शन में और जेनेटिक्स की डेवेलपमेंट में ऐसे जीन्स इवॉल्व हुए हैं जो के फॉरजिंग बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं इट मीन Genetic components are behind the foraging behaviors.